जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय विशाल धार्मिक कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हो गया, जिसमें देश भर से सैकड़ों की तादाद में संगत ने पहुंचकर गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, एसजीपीसी के महासचिव अमरजीत सिंह चावला, एसजीपीसी सदस्य प्रिंसिपल सुरेंद्र सिंह जी विशेष तौर पर उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, आज असीं खड़े हैं गुरुद्वारा श्री पबोर साहिब विखे, जिथे मनिया गया कि दशम पातशाही साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 महीने 13 दिन 13 पल 13 घड़ियां तप करते हुए चौपाई साहब का उच्चारण किया। अज के दिन इतने बहुत भारी मेला लगता, इतने ज़्यादा संगत इस करके अज नहीं आई क्योंकि कोरोना महामारी का असर इतने देखने को मिल रहा। अक्सर हर साल लगने वाले मेले इतने हजारा संगत होंगी है, पैर रखने जगह नहीं होंगी, लेकिन कोरोना महामारी का जो डर है वो कुछ ना कुछ इतने भी देखने को मिले। संगत अगे ना घट है, लेकिन SGPC ने इतने पूरे प्रबंध किए हैं ताकि किसी भी तरह लोग जी संगत आनी है उन्होंने किसी तरह की समस्या ना हो। शिवालिक पहाड़ियों की गोद में व सतलुज दरिया के पावन तट पर स्थित यह है ऐतिहासिक गुरुद्वारा बिभोर साहिब, जहां संगतों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। यह इसलिए है क्योंकि इस ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में SGPC द्वारा भादो अष्टमी मेले का आयोजन हर वर्ष धूमधाम से करवाया जाता आ रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस भादो अष्टमी मेले को लेकर जहाँ बीते 2 दिनों से अखंड पाठ साहब सजाए गए थे, वहीं संगतों के ठहरने से लेकर विभिन्न तरह के लंगरों का भी इंतजाम किया गया था। इस मौके पर गुरु महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंचे संतोख सिंह ने सिटी अचल से बात करते हुए क्या कहा, पहले जे सुने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। ये जो पावन धरती है 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी है, बहुत टाइम उन्होंने पहले जो बभौर साहब पिंड है, इतने एक पुन्ना नाँ का राक्षस होता से, वो लोगों से बड़े अत्याचार करता हुंदा सीगा। तो इत्थे संगत जब इकट्ठी होकर गई आनंदपुर साहब दे विच 10वें पातशाह नूं बेनती की, तो 10वें पातशाह इत्थे आए कि आंदे हुए इत्थे पहले घाट पर आए इधर जिते गुरुद्वारा घाट साहब। ये इतिहास बहुत लंबा है जो तुहानूं सुनाया जाए, पर इत्थे आके महाराज ने उस राक्षस का उद्धार किया। तो महाराज ने इत्थे 10 महीने 13 महीने 13 दिन 13 घड़ियां 13 पल बैठ के चौपाई संपूर्ण की सी। ਉਹ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਠੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਜਲ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਚਲ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕਹਾ, ਜੇ ਵੀ ਸੁਣੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ। तो सतगुरु जी महाराज 13 महीने 13 दिन 13 घड़ियां 13 पल रह करके सतगुरु जी ने चौपाई साहब की संपूर्णता की। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवार तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधार, महाराज जी ने यह दसना किया है कि भादो सुदी अष्टमी 1700 1750 के अंदर महाराज जी ने इतने संपूर्णता करके चौपाई साहब की इस दिन बड़ा करया। सो बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा वाले ने इस दिहाड़े मुख रखदिया उन्होंने इस पर्व को मनाने की बहुत बड़ा उपराला किया। सो ये बहुत बड़ा रूप लैके इस वेले मेला चल रहा है, तो दुनिया दूरों दूरों शरदा के फुल भेट करना आउंदी है। इतिहास के अनुसार गुरुद्वारा बिभोर साहिब दशम पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के तप स्थल के तौर पर मशहूर है, और इस स्थान पर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 महीने 13 दिन 13 घड़ियां 13 पल तप करते हुए चौपाई साहिब की रचना की थी, और आज के ही दिन चौपाई साहिब संगत को भेंट की थी। उसकी याद को ताज़ा करते हुए जहां 3 दिवसीय विशाल धार्मिक जोड़ मेले का आयोजन किया जाता है। वैसे तो गुरुद्वारा साहिब में प्रतिदिन संगतों के लिए लंगर की व्यवस्था की जाती है, लेकिन आज के दिन जहाँ स्पेशल तौर पर मालपूड़े, खीर, चाय पकौड़े के अलावा नाना प्रकार के व्यंजनों का लंगर संगत में बाँटा जाता है। ਸਤਿ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੀਨ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੰਤਾ।
सुने इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी ने क्या कहा। आज ये जो पावन पवित्र मुबारक धरती है बिभौर साहिब, जिथे साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज अपने जीवन का काफ़ी अरसा लंबा अरसा इतने रह के सतगुरां ने गुरबाणी का उच्चारण किया, जो आप पढ़ते हाँ कि संबत सत्रह सहस मणिजै अर्ध सहस फुनतीनक हिजै भादरव सुदी अष्टमी रव वारा तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा चौपी साहब उच्चारण दिवस इतने सदियों तो बहुत ही श्रद्धा और भावना के नाल समुचिया संगत इस स्थान पर जुड़ के मना ने और अज भी चौपी साहब का उच्चारण दिवस श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों तख्त श्री केसगढ़ साहब वालों समुचे इलाके की संगत के सहयोग न बहुत श्रद्धा और भावना के नाल मनाया जा रहा है। जिमें करोना महामारी के चलद होया बाकी दे सारे समागमों के उत्ते फर्क पिया है, असर पिया है, तिवें पिछले सालों के मुकाबले संगत इस बार इस स्थान पर संगत की आमद जिहड़ी है वह बहुत घट है और जो सेहत विभाग दियां जो प्रकोशन ने जो हदायत ने उहदे अनुसार चलद होया प्रबंध वालों भी सारे यत्न जिहड़े ने वो किए जा रहे हैं कि किसी किसी प्रकार की कोई मुश्किल ना आए। प्रशासन के वलों भी प्रबंध किए हुए आ, श्रोमणी कमेटी वालों भी प्रबंध किए हुए आ, फिर भी संगत जिहड़ी है वो दर्शन करने वास्ते आ रही है और दर्शन करके संगत जिहड़ी है वो वापस जा भी रही है और अज जो पावन पवित्र दिहाड़ा है चौपी साहब का उच्चारण दिवस है समुचिया संगतों यह भी बेनती की गई है कि अपने घर भी बैठ के संगत चौपी साहब का उच्चारण करन, क्योंकि बेनती रूप के सतगुरु साहब जी ने चौपी साहब का उच्चारण किया और असी सारे ही उस अकाल पुरख के चरणों के समर्पित होइए। अकाल पुरख को बेनती रूप में चौपी साहब जी है वह पढ़ के अरजोई करिए और आराधना करिए बेनती करिए। सो आज के इस पावन दिहाड़े दियां तख्त श्री केसगढ़ साहब वालों समुचिया संगतों को बहुत बहुत मुबारक जी। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। इस मौके पर SGPC महासचिव भाई अमरजीत सिंह चावला ने क्या कहा, जे भी सुने। आज बहुत ही महान ते पावन दिहाड़ा जिहड़ा 1700 तो 1701 दे विच महान गुरु धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने इस भपौर के अस्थान पर आके राजा रतन राय की बेनती से सतगुरु इत्थे आया ते 13 महीने के करीब सतगुरु इत्थे रहे अते इत्थे सतगुरां ने एक बहुत वड्डा ग्रंथ भी जो है वह तैयार किया अते जिस दे अखीर विच चौपी साहब का पाठ जो असी रोजाना नित्यम में साडी बाणी है चौपी साहब की उसकी संपूर्णता की। अज वो दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा के भावना के नाल सारिया संगत बना रही हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बाबा सुच्चा सिंह जी कार सेवा वाले महापुरशों वालों अते इलाके दीआं समूह सभा सोसायटियां संगतां दे सहयोग नाल बहुत वड्डा जिहड़ा इलाका ये ज समागम इत्थे हो रहा भावें कि करोना के करके अज बहुत वड्डा इत्थे असर पिया संगत दे आमद उत्ते, लेकिन फिर भी जिन्नी संगत आ रही है नतमस्तक हो के आपो अपनी हाजिरी भर के इतों जा रही है। सो मैं समुचिया संगतों को अज्ज दे पावन दिहाड़ी की बहुत बहुत वधाई। SGPC के सारे ही जो गुरमु समागम है लंगर के प्रबंध है पानी के प्रबंध है मैडिकल दहूलत है करोना मुख रख के संगत के बैठन के लिए जो डिस्टेंस का प्रबंध वो सारा बड़े सुन ढंग ने किया। इस मौके पर विशेष तौर पर पहुंचे SGPC सदस्य प्रिंसीपल सुरेंद्र सिंह को भी सुने उन्होंने क्या कहा। अज का सिख इतिहास के विशेष महत्ता रखने वाला दिन है जो सरबंस दानी दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज राजा बिभौर की बेनती प्रवान करके इतने आए, क्योंकि सारा इलाका सतगुरु जी के मुबारक चरणों पवित्र होया है और बहुत सारे राजे पहाड़ी राजे सारे गुरु साहब के विरोधी नहीं सन बल्कि बहुत घट ऐसे सन तो कुछ बंदियां दे करके कुछ राजियां दे करके ये आम भुलेखा लग जाता है इतिहास पढ़ते हैं कि सारे शायद विरोधी सन। सोना चों चिड़ी साहब गुरद्वारा नूरपुर बेदी राजा सलाही चंद जी बिभौर दे राजा मंडी दे राजा इस तरह के अनेक राजे सिरमौर रियासत दे जिथे सतगुरु कई कई महीने जाके कटते सन इस तरह ये राजा भी गुरु घर का श्रद्धालु सी और सतगुरु सच्चे पातशाह अपने आनंदपुर साहब मुकाम दौरान इतने आते रहे और कई कई महीने क्योंकि पैदल सफर होने होंगे सी जो टाइम कढ़ के आते कई कई दिन इतने रेंदे होंगे सन तो इतें ही ये साड़ी रवायत प्रचलित है कि सतगुरु जी ने चौपाई साहब का उच्चारण किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अते इलाके दीयां संगतां वालों श्रीमान बाबा लाभ सिंह जी बाबा सेवा सिंह जी कार सेवा किला आनंदगढ़ साहब अजकल सेवा निभा रहे हैं, बाबा जी जो
उन्होंने सहयोग के नाल श्रोमणी कमेटी ये पावन दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा से सत्कार नाल मनाती है। सो सवेर तो ही अखंड पाठ साहिब के भोग पैन उपरंत जिस तरह कौमी पद्धर से बेनती की गई सी कि सारे बच्चे तो स्कूलों का स्टाफ कुछ समय के लिए चौपाई के पाठ कर, सो वो ऑनलाइन पाठ भी किए गए। हुण दीवान सजने ने लगभग 3 बजे तक साढ़े दीवान सजने ने जिद हज़ारा संगत अगे एकत्र होंदिया ने, पर अज करोना की करोपी के करके संगतों पर कुछ असर भी है। कुछ सेहत विभाग वालों पंजाब सरकार वालों की हुई हदायतों के मुताबिक संगत का भावें असर कुछ घट रहेगा, पर फिर भी जो प्रबंध किए गए हैं विशाल पद्धर से लंगर के प्रबंध दीवाना के प्रबंध बड़ी शानो शाकत न किए जा रहे हैं। आप जी के चैनल राही मैं समुचे सिख संसार को यह अपील भी करता हाँ कि करोना वर्गी महामारी तो भी बचो, तो जोड़े साढ़े इतिहासक दिहाड़े उन्होंने एकत्र होकर गुरु पातशाह दख्शा के पात्र भी बन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। 2 दिन पहले गुरुद्वारा साहब में रखे गए अखंड पाठों के भोगों के उपरांत आज धार्मिक दीवान सजाए गए और देर शाम 3 दिवसीय जोड़ मेला धूमधाम से संपन्न हो गया। गुरुद्वारा बिभोर साहिब से करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट।